खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं पस्टोर का। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉयज क्लासवाला रोड पस्टोर में चेयरमैन टेप्टा व सेक्रेटरी सनत व तिजारत एहसान भुट्टा की हदायत पर स्टूडेंट्स डे मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर टेप्टा सियालकोट नारोवाल ताहिर महमूद और प्रिंसिपल इंजीनियर मोहम्मद बिलाल की जेर निगरानी तमाम इंस्टीट्यूट की तरह गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पस्टोर में स्टूडेंट्स डे के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम स्टाफ मेंबरान और तलबा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी रीजनल डायरेक्टर टेप्टा इंजीनियर तारक महमूद थे। कौन कौन से कोर्सेज रखे जाए जो इनको करवा सकते हो, फिर इदारे आइडेंटिफाई हुए जिनमें मुख्तलिफ कोर्सेज जहाँ टीचर्स अवेलेबल, मशीनरी इक्विपमेंट अवेलेबल, वो हमने इदारे इसमें सेलेक्ट किए और फिर इनकी क्वांटिटी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा ये सारा हेड ऑफिस लेवल पे ये सारी सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग्स होती रही, वहाँ ये डिसाइड हुआ। मगर बूट कैंप जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उन बच्चों के लिए जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर घरों में बैठे थे, तो हम उन सभी बच्चे और बच्चियों के लिए, ये तकरीबन पंजाब में 13,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने इस समर बूट कैंप में और समर स्किल कैंप में एडमिशन्स दिए हुए हैं। और ये बच्चे हम चाह रहे थे कि ये बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में टाइम वेस्ट करने की बजाय या इधर उधर की मुख्तलिफ साइडों पे जाने की बजाय ये बच्चे कोई पॉजिटिव काम करें और कोई हुनर सीखें। हमने इनके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज का इंतज़ाम किया हुआ है और 3 महीने 2 महीने के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं बच्चियों को, बच्चों को। और आज इस सिलसिले में पसरूर GTTI में जो हमारे पास बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर रहे हैं, तो वो बच्चे आज का ये डे मना भी रहे थे और उनके टीचर से भी मुलाकात हुई है और उनके प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई है, बच्चे बड़े पुरजोश हैं। स्टूडेंट डे के हवाले से बच्चों में नात और तकरीर, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन के मुकाबले हुए। मेहमान खसूसी रीजनल डायरेक्टर टेप्टा इंजीनियर तारक महमूद ने बेहतरीन स्टूडेंट्स ऑफ द मंथ और मुकाबला जात में फर्स्ट और सेकंड आने वाले बच्चों को तारीफी असनाद दी। आखिर में रीजनल डायरेक्टर टेप्टा इंजीनियर तारक महमूद ने बच्चों के साथ केक काटा और दुआ की।